नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के जो बैन को लेकर जो न्यूज़ आ रही है उसमें करंट माहौल जो है वो क्या है, क्या चल रहा है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है वो काफ़ी टाइम से पिछले 6 महीने से उतार चढ़ाव देखने को हमें मिल रहा है। BTC का जो प्राइस है वो इंडियन मार्केट के हिसाब से काफ़ी डाउन जा रहा है। 14 लाख से सिर्फ 5 लाख के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। जो भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, रूमर्स आ रहे हैं, उसके कारण BTC का प्राइस भी डाउन हो रहा है इंडिया की मार्केट के द्वारा भी। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रेगुलेशन जारी किया था कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया की वो सब के सब RBI को रिपोर्ट करेंगे। और जो कि लास्ट मंथ सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट थी कि 3 महीने के अंतर्गत आपको जो भी काम कर रहे हैं वो बंद करना पड़ेगा, इशू किया था एक नोटिस जितने भी एक्सचेंज है उनको, जो RBI ने इशू किया था। और जो भी सेंट्रल बैंक है उसने अप्रैल में बोला था कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, वो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, फिएट करेंसी एक्सचेंज और जो भी क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेस है उसको कम करें और उसको बंद करें टोटली। ठीक है, तो जितने भी एक्सचेंज थे वो RBI की इस पेटिशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पेटिशन के ऊपर 20 जुलाई को डेट दी है, 20 जुलाई को डिसाइड होगा। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेज हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, वो अपना जो भी डिटेल है 2 वीक के अंदर RBI को सौंप दे अपने एक्सचेंज के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट का ये सजेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी एक्सचेंज है वो RBI के साथ एंगेज हो सकते हैं डायरेक्टली, तो लास्ट वीक ऐसा बोला गया है। और उसके ऊपर जितने भी जो है आगे का जो बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं वो उस पर काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बताया है कि बिटकॉइन एक्सचेंज जितने भी है उनके ऊपर जो बैन है वो हटाने के ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। और जो भी उसके जो वायलेटिंग जो नॉर्म्स है, कंडीशन है, उनको वायलेशन पाया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी एक्सचेंज के ऊपर, अगर रूल एंड रेगुलेशन से छेड़छाड़ की गई। नेक्स्ट है KYC सभी एक्सचेंज के लिए मैंडेट कर दिया गया है, ताकि पैन कार्ड वगैरह अपडेट करके इनकम टैक्स का जो है उसके दायरे में सब कुछ आ सके, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, राइट। उसके बाद TRA का जो लॉ है वो बोलता है कि जो भी बैन है इसके ऊपर देयर शुड बी अप्रोप्रिएट रेगुलेशन कैन एड्रेस द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर लागू करने के लिए विचार कर रही है, लेकिन उससे पहले जो भी फंड इधर उधर हो रखा है उसके ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी अभी जो मार्केट है उसको देखते हुए। तो RBI ने अभी यह बोला है कि जितने भी एक्सचेंज है उसके बाद जो एक्सचेंज हरकत में आ रहे हैं, जैसे RBI ने जो कंट्री के बड़े बड़े एक्सचेंज है, यूनोकॉइन, ज़ेपे, उन्होंने क्रिप्टो टू क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट कर दी है। पहले वो BTC टू रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए फिएट एक्सचेंज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ज़ेपे, कॉइनएक्स और यूनोकॉइन ने अपना जो क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट कर दिया। नए नए कॉइन उन्होंने लिस्टेड कर दिए हैं और वो एज ए फुल फ्लैश एक्सचेंज का रोल अभी निभा रहे हैं। इंडियन रुपीज से आप कोई भी कॉइन बाई कर सकते हो और आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने के लिए चाह रही है। इसके जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, सुभाष गर्ग है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। तो अभी आने वाले टाइम में हमें अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट हो सकती है इंडिया में। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस।